क्लास नूं असीं शुरू करदे हां सारिआं दी परमिशन दे नाल। फतेह बुलाओ सर सारे। वाहेगुरु जी का वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक जी इस फुलवाड़ी दे विच सारिआं नूं जी आया वेलकम। और असीं बड़े वडभागी हां और गुरु महाराज की बड़ी बख्शिश हैगी है जो एक कॉन्टीन्यूसली एक गुरु की बाणी विचों असी जो हर आदमी कोशिश कर रहा है किस तरीके नाल उस आदर्शक जीवन नूं अपना पाइए उहदे विच साडे नाल अज साडे वीर जुड़े हैं परम पाल जी फ्रॉम कैलीफोर्निया। उन्होंने बेनती है कि वह रीडिस्कवरिंग माई नानक और उन्हों थ्रू गुरु ग्रंथ साहब और इन वे ऑफ लाइफ किस तरीके नाल असी अडॉप्ट करिए ताकि असी जो गुरु नानक साहब नूं पिछों खुद छोड़ आए हाँ और असी एक रिचुअलिटी परम भुलेखे परमा दे विच और उस बुद्ध मत दे विच पै के अपने आप नूं उस गुरु सागर की गहराई विच वननेस विच और एक ओंकार तो किस तरह असी फिर दोबारा जुड़ पाइए। ओवर टू यू परमवीर जी परमपाल पीर जी और संगत नाल सांझ करो अज दी क्लास। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे वीरां दा पैणा दा जो कि आप जी ने उद्यम किया है कि असी गुरु नानक साहब रीडिस्कवरिंग प्रिंसीपल्स ऑफ गुरु नानक साहब कि गुरु नानक साहब दी जिहड़े प्रिंसीपल सी उन्हां नूं कोशिश करिए क्योंकि गुरु नानक साहब सारे संसार दे सी ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छप्पे अंधेर पलोया। तो जिस वेले सूरज निकलिया और सूरज जेड़ा है वह सारे संसार दा हुंदा है ये गल जुदा है कि अज सूरज किसी होर देश विच है किधरे रात है किधरे दिन है लेकिन ये नहीं कि सूरज एक जगह दा ही है। तो इस करके गुरु नानक साहब सारे संसार दे सी और परमेश्वर सारे संसार दा है इस करके इस तो हेठ गुरु साहब गल ही नहीं करते क्योंकि हर मनुख की दृष्टि ये चाहते ने कि सैल्फ तो उठ के सैल्फ च भी रहे और उस तो इतना उपर उठ जाए कि जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाने। जिस तरह जल विच कमल जेड़ा हुंदा है ज्यों ज्यों पानी वधदा है लेकिन वह पानी के तह तो उपर ही रहिंदा है। तो इस तरह गुरु साहब ने कहा है कि ये संसार जेड़ा है ये संसार समुंदर है संसार समुंदे तार गोविंदे तार लै बाबीठला बहुत गहरा है और इहदे विच मनुख फस के गोते ना खाए क्योंकि इसकी कोई गहराई नहीं है इसकी गहराई का कोई अथा नहीं। संसार समुंदर है और समुंदर की गहराई का कोई अंत नहीं हुंदा अते इस करके संसार की गहराई का भी कोई अंत नहीं है भी इस विच केते जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। कि उस वाहिगुरु के कितने रूप ने उसने कितना चित्र बनाए हुए ने संसार विच गुरु साहब कहते ने सच्चा रचित चित्र है भारी ता चित्र है चेतो चितकारी चित्र बचित्र है अवझेरा ता चित्र है चित्राख सितेरा। कि उसने इस संसार विच कितने चरित्र रचे ने कितिया खाणी कितिया बाणी कितिया पात्र रिंद कितिया सुरती सेवक कितिये नानक अंत ना अंत। उसकी रचना विच किसी चीज का भी अंत नहीं है। और इत्थे तक भी गुरु पातशाह जी ने महाराज ने कहा है कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनों विस्थार कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक एक अंकार। कई कोट होए अवतार
अवतार जड़ा है कदे जुगा चाहता है, लेकिन उन्होंने भी गुरु साहब कहते ने कई कोट वो भी किन्ने हो चुके ने कोई अंत ही नहीं, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्थार, कई बार पसरे पासार, सदा सदाई के कंकार, लेकिन वो हमेशा है। तो इत्थे जड़ा है गुरु पातशाह जी बख्शिश करते ने कि उसकी महिमा का उसकी बेअंतता का कोई मनुख अंत नहीं पा सकता। तो इस करके गुरु साहब ने सब तो पहला उस नाल जुड़न की गल की है कि उही एक है, उही सत है, उही सारियां विच वर्त रहा है, नाम रूप होके शब्द रूप होके हरेक दे अंदर वर्त रहा है, सब दा गुरु है और सारियां दा मालक है, सारियां दा पिता भी है और उसकी ए सब लीला है, उसकी सब खेल है और उस खेल नू ता चित्र है चेतु चित्रकारी, चित्र विचित्र है अवझेरा कि इस चित्रा विच उलझना जड़ा है कि मनुख उलझ जाएगा, एक वड्डे जाल च फस जाएगा, जिस विचों गुरु नानक साहब ने कहा भी सह सुभा, एक जो परमात्मा का माया जाल है उस विच मनुख सह सुभा फस जाता है। तो बहुत बड़ा परमात्मा का माया जाल इत्थे, तो गुरु साहब ने कहा कि माया जाल इतना गहरा है कि जिन्होंने तुसी रब मानते हो उन्हां वो भी इससे माया जाल च रहे, क्योंकि गहरा इतना है इस विच, सरपनी ते उपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया, कि ब्रह्मा विष्णु ते महेश उन्होंने भी गुरु साहब कहते इस माया ने छल लिया, और माया ऐसी मोहनी पाई जेते जीते ते डहकाई, जिन्ने भी जीव ने संसार विच उन्होंने ही उसने ठगिया होया है। तो इत्थे जदों मनु गुरु साहब दे असी कंटेक्सट नू लैंदे आ जे विचार करिए ते गुरु साहब जो कहना चाहते ने अपा, ऐसा विचार अक्सर मन च आंदा है कि सारी माया विच ने पर मैं माया विच नहीं, बस इत्थों ही थोड़ा जिहा फर्क पैना शुरू हो जाता है। गुरु साहब ने इस चीज नूं सारियां ते लागू किया और कहा कहो कबीर जिस उधर तिस माया तब छूटे जब साधु पाया, कि जिस दे भी उधर है जिहड़ा उधर विच आ गया या जिस दे पेट लगा होया इहनूं किसे रूप च भी लै लो, कहो कबीर जिस उधर तिस माया, जेदे भी पेट है या जिहड़ा पेट दे राही आ रहा है, गुरु साहब कहिंदे ने माया तू नहीं बच सकदा। अगर वह कहे कि मैं माया तू अलग हाँ तो वह अलग नहीं है, सिर्फ एक भुलेखा है, एक भुलेखा पाया होया उसने या उसनों पिया होया है। तो इस करके जदों वड्डे लोग जिहड़े हुंदे ने बहुत वड्डे किसी रूप च भी धार्मिक लोग जिन्हों आपां कहिंदे हां, तो गुरु साहब कहिंदे ने कि वह भी सारे माया च ने, अपने आप गुरु साहब ने माया तो बाहर नहीं कहा। जदों ये कह दिता कि जे कहो कबीर जिस उधर तिस माया, जिस दे तब छुट्टे जब साधु पाया, और साधु का मतलब इत्थे असीं कह सकते हाँ कि मैं कहांगा कि मैनू कोई साधु मिल गया तो मैं छुट गया। तो छुटना उत्थे इवें ही है कि जिसनों गुरु नानक साहब मिल गए तो उन्होंने जिवें वो आप छुटे सी उस तरह ही उन्होंने दसना सी कि भाई तुसी भी छुटो, कि मूल रूप से समझो कि मैं भी माया विच हाँ,
मैं भी उस परमेश्वर की कृत हाँ और जिहड़ी मैनू समझ है कि उसकी दित्ती हुई है और मैं इसनू किवें वरतना है। जे मैं उसनू दायरे तो बाहर कढ़ना है, वड्डे दायरे विच लैके जाना है, उच्चे दायरे विच लैके जाना है, विशाल दायरे विच लैके जाना है, बस इसे नू गुरु साहब ने कहा सी कि यही उस उच्चे वड्डा साहब उच्चा थाओ उच्चे उपर उच्चा नाओ एवड उच्चा होवै कोई तिस उच्चे कोई जाने सोए जेवड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी दास। तो किन्ना कु वड्डा है, बस उसकी कृपा दे नाल एहसास हो जावे कि वह बहुत वड्डा है। तो यह समुद्र तो उपर उठेगा मनुख, जिहड़ा समुद्र का संसार का बहुत वड्डा समुद्र है तो उस तो उपर उठेगा। बस ये सोच के कि मैं वड्डे कोल जाना है, वड्डे नाल रहना है और हेठां जिहड़ी गलबात है वह उसकी मन उसका किधरे होर होवेगा, शरीर किधरे होर होवेगा, ये तो है साधु पाण की गल, तब छूटे जब साधु पाया। गुरु साहब कहते ने कि बाहर सूत सगल सु मौला अलिप्तर हो जैसे जल मैं कौला, मन की बात सगल सू करता जी संग प्रभ अपना धरता, दी सावत है बहुत पिहाला सगल चरण की ए मंदराला। कि गुरु साहब कहते ने कि जो नजर आ रहा है मुख की बात सगल सू करता, कि सारिया नाल मुंह दी मैं गल कर रहा, मुंह नाल गल कर रहा पर जी संग प्रभ अपना धरता, जो बहुत विशाल परमेश्वर है, मेरा जीव उस नाल जुड़िया है, मेरे विचार उस नाल जुड़ गए ने। हुण विचारां नूं इस रूप नाल जोड़ लेना कि सिर्फ परमेश्वर का फुरना लैके आण, तो वह साधु की पहचान हुंदी है और वह साधु जिहड़ा है वह सिर्फ परोपकार वास्ते ही जीवदा है। उसका मिशन संसार ते, क्योंकि परमात्मा एकदा नहीं हुंदा, वह साधु भी एकदा नहीं होएगा और तुहानू एकदा रहन नहीं देगा, तुहानू बहुत उच्चा उठा लवेगा। यही साधु पाण की गल है। तो उस साधु की की अवस्था है, बाहर सू सगल सू मौला अलिप्त रहो जिस जल मैं कौला, बाहर बनिया होया सारिया नाल, बाहर सू सगल सू मौला सारिया दे नाल खुश हो रहा, सारिया दे नाल मिल रहा, सारिया दे नाल जुड़ रहा, बाहर सू सगल सू मौला, क्योंकि उस मौली अकाल पुरख वाहिगुरु ही मौलन वाला है, उही संसार दे रंग पैदा करता है, उही लख खुशियां पाशाहियां देने वाला है और लखां खुशियां ते पाशाहियां का समुंदर है। और जो एक खुशी होएगी, दो खुशी होएगी, असीं उन्हां नूं याद करांगे कि मेरे कोले चार खुशियां ने, मेरे कोले पांच खुशियां ने, और जो लख खुशियां पाशाहियां होणगियां तो फिर मनुख किसी एक खुशी को गिनेगा नहीं। साडिया खुशियां गिनती दियां ने, एक सीमा विच ने, और सानू यह पता है कि मैं किधरों किधरों सुखी हाँ। लेकिन जो लखां खुशियां ते पाशाहियां मनुख प्रवेश करेगा तो वह मौलिया मौल जाएगा, उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। बाहर सू सगल सू मौला, तो वह हुण जिन्हां आपां खुशियां गिण रहे हैं तो यह फिर उन्होंने खुशियां तो उपर हो जाएगा, उसका मन उस परमेश्वर के नाल जुड़ के बाहर सूत सगल सू मौला सारिया के नाल खुश हो रहा, सारिया नूं मिलके प्रसन्न हो रहा, क्योंकि उसकी रचना है, उसकी रचना नूं देख के मनु खुश हो रहा। बाहर सूत सगल सू मौला अलिप्त रहूं जस जल मैं कौला, है सारे नाल मिलिया होया पर अलिप्त है, जिस तरह क्योंकि सारा समुंदर है, जड़ा समुंदर विच ने पर जड़ा सिमण है, विचार ने वो आकाश विच ने, वो इन्हां विचों नहीं। सुन समाध अनहत तैनात कह न जाई अचरज विसमाद, वो सुन समाध विच हुंदा है, असी विचारां विच हाँ, गुरु साहब सुन समाध की गल करते हैं,
क्योंकि विचारां ने ही सानू हसाया होया दबाया होया है। ये जिहड़े संसार विच विचार चलते ने गुरु साहब कहिंदे ने ओह परमेश्वर जिहड़ा साधु का मतलब है कि उस उन्हां विचारां तो बाहर आ चुके है, उहदे अंदर इस तरह के फुरने नहीं आते, संसारिक फुरने नहीं आते, क्योंकि उसका मन सुन अवस्था विच है, उसका जिहड़ा सुन है और सुन विच जिहड़ा परमेश्वर फुरना दिंदा है बस उतना को कार्य करता है, हमेशा परमेश्वर समाया होया है और इस करके अला खुशियां ते पाशियां च जी रहा है। बाहर सूत सगल सू मौला अलिप्त रहो जस जल मैं कौला, मुख की बात सगल सू करता, मूह नाल सारे नाल बोल रहा, मुख की बात सगल सू करता, जी संग प्रभ अपना धरता, कि वो अपना जीव जिहड़ा है वह परमेश्वर दे नाल उसका जुड़िया होया है, क्योंकि परमेश्वर दे नाल जुड़न दा गुरु साहब ये साधन नहीं दसते कि जिस तरह संसार जुड़ रहा तुसी इन्हां साधनां नाल जुड़ो, क्योंकि जे इन्हां साधनां नाल जुड़ांगे तो जिस वेले असीं साधन दे नाल संबंध बनाया होया उस वेले असीं परमेश्वर नाल जुड़िया होया, जदों साडा साधन तो समां टुट गया परमेश्वर तो भी टुट जावांगे। इस करके गुरु साहब ने इसनूं कहा दिन राती आराध प्यारे इक निमख ना कीजे ढीला, कि एक निमख निमख सैकंड तो भी छोटा पार्ट हुंदा, सैकंड दा भी शायद दसवां पार्ट है, ते उस विच भी असि परमेश्वर नूं गुरु साहब कहिंदे ने हिखिन विसरै तू स्वामी जाणू बरस पचासा, कि तू एक खिन भी मैनूं विसर जाए तो मैं समझो कि बहुत पिछे पै गया हाँ, बहुत पिछे पै गया हाँ। हुण जदों इस लैवल की भगती गुरु साहब ने गल की है तो फिर मनुख किसी भी साधन नाल ओह नहीं कर सकता, क्योंकि साधन दे साधन इस दा सीमित है, साधन की जगह विशेष जगह है, साधन का विशेष दायरा है, साधन की एक विशेष तरह की सोच है। पर गुरु साहब कहते हैं उठत बैठत सोवत ध्याईए मार्ग चलत हरे हर गाइए, क्योंकि जे असी एक साधन सानू बैठ के मिलेगा या उठ के मिलेगा, दोनों तरह कट्ठा नहीं मिल सकता, जो बैठे हो तो उठ गए होर साधन है, बैठे हो तो होर साधन है, उठ बैठ सोबत नाम कहो नानक जन के सदकाम, उठत बैठ सोबत ध्याईए मार्ग चलत हरे हर गाइए, मार्ग चलद्या होया भी हुण गाण दा अगर मतलब असी किसी साधन नाल लगा लैंदे आ तो फिर मार्ग दे चलदे होए रस्ते दे चलदे असी गा किवें सकदे हाँ, अगर उसनू किसी साधन नाल गा रहे हैं तो साधन तो बाहर कढ़िया गुरु साहब ने, साधना तो उपर चुकया और उस विशाल संसार में समाया होया जिसनों गुरु साहब कहिंदे ने कि इक्का बाणी गुरु इक्को शब्द विचार, कि वह शब्द दी इक दी विचार, एक ही बाणी एक ही गुरु बाणी, गुरु साहब कहिंदे ने कि वह बाणी जिहड़ी एक ही है सारे संसार की, तो सारे संसार की बाणी एक ही है जो परमात्मा सानू सोझी देंदा है, सानू पता चलता है कि ये सामने फुल किस चीज का है, तो वह कितों पता चलता है कौन दसदा है, तो उही जिहड़ा है वह हमेशा साढ़े नाल हुंदा है, एक ही बाणी है, बोल दा सार सारे संसार दा इक्को ढंग दे नाल बोल पैदा हुंदा है, इक्को स्थान तो सारयां दी बाणी पैदा हुंदी है, संसार दे हर जीव दी बाणी जिहड़ी है वह एक जगह तो ही पैदा हुंदी है और यही सारे संसार दा गुरु है, शब्द रूप च वरत रहा है क्योंकि शब्द नाल ही सारा संसार पैदा होया है, उत्पत परलो शब्दे होवै शब्दे ही फिर उत्पत होवै, उत्पत्ति भी ते परलो भी, उत्पत्ति हुई तो शब्द नाल हुई, परलो होवेगी तो शब्द नूं समेटण नाल होवेगी, भाव एक परमेश्वर ने एक शब्द एक सिस्टम पैदा करता संसार और वह सारियां विच बराबर वरत रहा है, ऊंच नीच मैं जोत समाना घट घट माधो जिया, तो इत्थे मनुख जिहड़ा है वो उस तो उपर उठ जाएगा और शब्द दे विच इक्का बाणी इक गुरु
एक ही गुरु है परमेश्वर जिसने सारे संसार शब्द बरताया और जदों तो संसार बनाया उससे वेले उस शब्द तो उत्पत्ति हुई। पीता पसाओ एको कवाओ किस्ते हुए लख दरियाओ, लखां जिहड़ियां जिंदगियां ने उस शब्द दे नाल परमेश्वर ने पैदा कीतियां ने। तो वह सारिया विच वरत रहा उसे नूं गुरु पातशाह ने कहा एक सांझी गल है, पूरे संसार वास्ते सांझी है क्योंकि गुरु साहब गल ही सारे संसार की करते हैं। किसी एक मनुख एक देश एक जात एक वेश एक भाषा इस तो बहुत उपर की गल करते हैं गुरु पातशाह क्योंकि यह सारा नीमा है, संसार है, समुद्र है, बावन अच्छा लोकत्र है, सब कुछ इन्हीं माहे ये अखर खिर जाएंगे वो अखर इन मैं ना है। इसलिए संसार ने अखर बनाए ने गुरु साहब कहते ने इन विच अखर नहीं है, वो शब्द की यह भाषा नहीं है जिहड़ी असीं समझते हाँ। इक्का बाणी इक गुरु इक्को शब्द विचार ते उस शब्द ही सारे विच वरत रहा है, उही साडा गुरु है। वह साडी सुर दे नाल जिस वेले टकराएगा तो उस वेले गुरु साहब कहते ने कि यह परमेश्वर की अपनी कृपा होंदी है। जां तिस भाणा तां जगत उपाया बाज पला अडाण रहाया ब्रह्मा विश्व महेश उपाय माया मो वधाएगा। तो यह जड़ा जो भी सिस्टम परमात्मा ने चलाया ये माया का मोह वधाया उसने, लेकिन गुरु साहब कहते ने विरले को गुरु शब्द सुनाया, किसी विरले नूं ही वह शब्द दसिया है जिन्हों उस परमेश्वर ने सुनाया है। तो उसने ये गल दसी है कि वह शब्द ही सारे संसार च वरत रहा है और तुसी उस शब्द नूं अपनी कोशिश नाल नहीं पकड़ सकते, संसार ने अपनी कोशिश नाल उसनूं पकड़न दे साधन वरते। पूरे संसार विच उस शब्द नूं पकड़न दे साधन वरते गए जिहड़ा कि असीं पिछले हफ्ते विचार किया सी कि ध्यानी ध्यान लावें ज्ञानी ज्ञान कमावें प्रभ की नहीं जाता, भगवती रहत जुगता जोगी कहत मुक्ता मोनी मोन धारी सन्यासी ब्रह्मचारी। तो ये सारियां दा जिक्र जिहड़ा गुरु पातशाह जी ने किया है और इसनूं होर भी गुरु साहब कह संसार कई ढंगां दे नाल इसनूं पकड़न की कोशिश कर रहा है। बस इत्थे गुरु साहब दा जिहड़ा निवेकला सिद्धांत सी उह इही सी कि संसार इसनूं खास विधियां दे नाल पकड़न की कोशिश कर रहा है पर गुरु साहब ने कहा कि यह विधियां नाल उसनूं नहीं पकड़ सकता। बस इत्थे ही गुरु पातशाह जी डिफर करते हैं पूरे संसार नालों कि पूरा संसार इन्हां विधियां च है पर गुरु साहब कहते हैं कि वह आप जिस ते कृपा करे। तो इस करके गुरु साहब ने कृपा से गल छड़ दी कि जिस ते वह आप कृपा करे ता मिली है जां लै मिलाए। तो जदों गुरु साहब ने इस गल नूं कृपा ते छड़ दिता है तो संसार इस नूं पाण की कोशिश कर रहा, गुरु साहब ने इस नूं छड़ दिता है कि तू नहीं पा सकेगा, जो तू पा नहीं सकेगा तो फिर तैनूं पाण की उधर उस ढंग नाल कोशिश नहीं करनी चाहिए जिवें दुनिया कर रही है, क्योंकि गुरु साहब ने सिंपल सिंपलिसिटी वल किया। संसार ने इसनूं कंपलैक्स बनाया होया सी और अज एक कंपलैक्स होर भी वध गया है, ज्यो ज्यो ज्ञान वध रहा है एक कंपलैक्स भी वध रहा है। तो उत्थे जिहड़ा है वह लख खुशियां ते पातशाहियां दा सोमा जिहड़ा है वह किधरे थोड़ियां खुशियां च सानूं शामिल होकर महसूस होंदा है कि यह लख खुशियां ही ते पातशाहियां ही हन। है नहीं जरूर वह, लेकिन वह नहीं है जो गुरु साहब कहिंदा है। दुनियावी तौर ते मैं सैट हाँ, बच्चे सैट ने, सब कुछ सही चल रहा है, तो कई बार मैं महसूस होंदा है कि लख खुशियां ते पातशाहियां हन, ये हन जरूर लेकिन लख खुशियां ते पातशाहियां नहीं। कुछ खुशियां हो सकदियां ने जो संसार कोल नहीं मेरे कोल ने, पर वह लख खुशियां ते पातशाहियां नहीं है। तो इस करके वह जिहड़ा परमेश्वर है बहुत उसनों गुरु साहब ने एक नवे रूप च कि लोग लभदे ने इन्हां साधना नाल, ज्ञानी ज्ञान कमावे ध्यानी ध्यान लावे और फिर भरम पैदा होंदा है। गुरु साहब कहिंदे ने भरम च भुलदे जांदे ने, एक नहीं दो नहीं चार नहीं
सृष्टि सब एक वर्ण हुई। सारी सृष्टि की गल करते हैं गुरु साहब कि सारी सृष्टि इसे पासे तुरी जाती है। हुण जिस पासे सृष्टि जा रही है मतलब गुरु पास गुरु साहब उस पासे नहीं ले जाना चाह रहे, तो यह मतलब कोई रस्ता होर है। जिस रस्ते ते असी तुर रहे हैं यह रस्ता वो नहीं है, कोई रस्ता होर सी, संसार किसी होर पासे तुरिया, असी भी नाल मिलके उसे पासे तुर पे। तो इत्थे गुरु साहब कहंदे ने कि उस शब्द की विचार कृपा दे नाल वो आप कृपा करेगा। कदों करेगा, किवें करेगा, ये भी तेरे कोल पैमाना नहीं है, तू नहीं नाप सकता कि मेरे ते कृपा कदों होवेगी ते किन्नी होवेगी। तो गुरु साहब कहंदे ने जे तू काल कर लेगा, मेहनत करेगा कि भाई बेशक वह गवाएगा नहीं, क्योंकि वह किसी की मेहनत नहीं गवाता, किसी पासे मनुख मेहनत कर ले, क्योंकि परमेश्वर ने पैदा किया और सारा संसार उसका माया जाल है। मनुख किधरे भी मेहनत करेगा उसनू उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पर गुरु साहब कहते हैं कि परमात्मा के रस्ते तू मेहनत करेगा तो उधर तेन परमात्मा मेहनत न नहीं मिलना, मेहनत का फल परमात्मा ने देना है, तू किसी पासे कर ले, लेकिन मेहनत करके तू परमात्मा नहीं पा आया, मैं नहीं पा सकेगा, काल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, भाव तू किसी तरह की भी काल ना कर लेगा, किसी तरह की भी सेवा इस ढंग करेगा कि मैं रब न लभ लवागा उस सेवा के नाल। गुरु साहब कहते नहीं, ऐसा पॉसीबल नहीं होना, काल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता, अचिंत ही मिलेगा। कदों जाको दया करी मेरे ठाकुर तिन गुर है कमानो मंत्रा, कि जिसनु परमेश्वर ने कृपा की वो गुरु का मंत्र कमा लवेगा। तो मंत्र कमाना जिहड़ा है उस शब्द के नाल जुड़ना कि सारा संसार, क्योंकि शब्द ही उसका मंत्र है, नाम ही उसका मंत्र है, और नाम किसी एक जगह नहीं है जो पूरे संसार विच वर्त रहा है। तो एडा वड्डा जिहड़ा नाम है परमात्मा, जड्डा परमात्मा आप है, उस तो भी वड्डा उसका नाम है। वड्डा साहिब उच्चे थाऊं, उच्चे उपर उच्चा नाम, हुण उत्थे वो आप ही पहचान सकदा है जिहड़ा इन्ना वड्डा उच्चा है। उत्थे मनुख किवें अपनी कोशिश नाल पहुंच सकदा, नहीं पहुंच सकदा, वो आप ही पहचान सकदा है। वड्डा साहिब उच्चा थाऊं, उच्चे उपर उच्चा नाम, एवड उच्चा होवे कोई तिस उच्चे कोई जाने सोई, जेवड आप जाने आप नानक नजरी करमी दात। तो इत्थे गुरु साहब ने कहा भी इसनू सारी दुनिया इस चीज नू अपनी मेहनत नाल पकड़न की कोशिश कर रही है, साधना नाल पकड़न की कोशिश कर रही है, ढंगा नाल पकड़न की कोशिश कर रही है। पर गुरु साहब कहते ने काल न मिलियो, सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता, जाको दया करी मेरे ठाकुर तिन गुरह कमानो मंत्रा। तो उसने गुरु का मंत्र कमा लिया, उसने गुरु के मंत्र समझ लिया। गुरु का मंत्र ही यह है कि भाई वह सारिया देख है और सारिया में समाया हुआ है और एक बराबर समाया हुआ है। ना को पढ़िया पंडित बीना, ना को मूर्ख मंदा, बंदी अंदर सिफत कराई ताको कही है बंदा। हूं तू एक डिसिपलिन क्रिएट कर, गुरु साहब कहते एक डिसिपलिन क्रिएट कर पूरे संसार में। गुरु साहब ने उस डिसिप्लिन जिस बेगमपुरे की गल की सी और बेगमपुरे का संकल्प दिता सी इतों ही कि डिसिपलिन उस डिसिपलिन क्रिएट कर कि जिमें परमेश्वर एक डिसिपलिन है अपने आप में, पैर पवन वहे सदवाओ, पैर चल लख दरियाओ, पैर अगन कटे भी डार, पैर धरती दबी पार, पैर सूरज पैर अंत, पैर चंद को करोड़ी चल तर अंत, पैर सिद्ध भूषणनाथ, पैर आडाणी आकाश, सगलिया पौ लिखिया सिरलेख, नानक निरपौ निरंकार सच एक। तो परमेश्वर ने डिसिप्लिन बनाया, इसे तरह तू बेगमपुरे का डिसिप्लिन बना कि वो क्रिएट कर, वो डिसिप्लिन क्रिएट कर, वो ऐसा पूरे संसार का ऐसा डिसिप्लिन कर कि जिवें परमात्मा ने एक डिसिप्लिन सारा कुछ कर रहा है, इस तरह तू भी एक संसार वास्ते ऐसा डिसिप्लिन क्रिएट कर जेदे नाल सारे सुखी हो सकन। ना को पढ़िया पंडित बीना, ना को मूर्ख मंदा, बंदी अंदर सिफत कराए, एक बंदिश दे विच, एक डिसिप्लिन दे विच पूरा संसार बनिया जाए कि इस तरह ये
फिर शिफ्ट करे, वो डिसिप्लिन संसार रहे और मनुख भी इस बंधन च रहे, मनुख भी इस मन नू अपनी मर्जी दे नाल दुनिया की तरह खिंडाए ना, संसार सारा जिहड़ा खिंडिया होया खिलरिया होया, मन की मती खिंडिया बहुते पए असगा गोते खाए ना निकले, मन दियां मतां खिलार खिलार के लोगों ने किसरा कुछ इकट्ठा किया होया। गुरु साहब कहते हैं भी किताबां दियां किताबां लिख लिख के भरिया हुई ने जिन्हां दा कोई अंत नहीं। तो इत्थे जिहड़ा सी गुरु साहब कहते हैं कि बंदी अंदर सिफत कराए अपने मन नूं बन्ने कि भाई ये जो है मैं ते मेरा है, ये मेरा नहीं है, परमेश्वर ने मैनूं कुछ समय लिए दिता है, मेरा नहीं है, इस तो उपर उठ जाना, इस तो बहुत उपर उठ जाना। तो यही मैं लगता है किधरे ना किधरे गुरु साहब इस चीज नूं कह रहे हैं कि अपने आप नूं जिस तरह सारी चीज परमात्मा दे पाव विच है, इस तरह ही तू पै विच वैसे पै रहे, पै विच कमावे कार, नानक इहां सुख वड़ियाईयां आगे मुख द्वार। इस तरह ही मनुख दे मन दा डिसिप्लिन बने, समाज उस डिसिप्लिन च क्रिएट होवे, उस समाज वास्ते डिसिप्लिन बने पूरे वास्ते। क्योंकि जदों असी कोई कार्य करते हाँ असी एक समाज के जीव हाँ, क्योंकि गुरु साहब सारे समाज के उत्थान की गल करते हैं, सारे समाज के वड्डा होने की गल करते हैं, सारे समाज की उच्चा जाने की गल करते हैं। तो जो सारे समाज की गल करते हैं फिर किसी एक मनुख की बेहतरी तो खड़ते ही नहीं, जो अपनी बेहतरी से भी नहीं खड़ रहे पा के अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वह कुर्बान करके कुछ होर दसना चाहते हैं। तो इस करके उन्होंने समुचे रूप से यह कहा कि मानस की जात सब एक है पहचान वो अते सबना जिया का एक दाता, बंदी अंदर सिफत कराए ताको कही है बंदा। हुण यह जिहड़ा है यह डिसिपलिन क्रिएट करने वास्ते कहा सी गुरु साहब ने, लेकिन संसार वंडिया किवें गया कि उसनू उस चीज नू असी अपने अनुभव दे नाल, क्योंकि जो गुरु साहब ने कहा है उन्होंने आप नहीं कहा, आप विचार की सुन समाध अनहत तैनात, उस सुन विच पहुंच पहुंचा दिंदा परमेश्वर जिसनों नजर करता है। हुण ये कदों करता है ये उसकी अपनी मर्जी है, इस मनुख दे इसका कोई जोर नहीं चलता, उसकी अपनी मर्जी है कि उसनों वो नजर किस ढंग दे नाल देवे। सबना उपर नजर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कलेरी। हाँ गुरु साहब ने कहा कि ये उदी नजर है, किसी से थोड़ी है किसी से कनेरी है, सबको उदी नजर विच ही हो रहा है, लेकिन जेड़ा उदा मिलाप है वह भी उसकी नजर तो बिना नहीं होना, किसी साधन नाल नहीं होना। गुरु साहब ने साफ साफ लफ्जा च वड्डे तो वड्डे साधन नूं भी कर दिता है, वड्डे तो वड्डे साधन नूं भी, दुनिया च जितना कोई वड्डा साधन बढ़ सकता है उसनों भी कट दिता है गुरु साहब ने। इत्थे तक कहा कि तू जो कहें कि मैं उसनों भाई नाम जप के पा लवांगा, तो गुरु साहब कहते हैं भी तू इतना नाम जप कितना एक दूजी भौलख होए, कि जो है इतना विशाल, कितना विशाल है कोई अंत ही नहीं, जिस जिसकी विशालता विच कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, असी एक ब्रह्मंड विच हाँ, उसका ही सानू कोई भेत नहीं, और जेडे कई कोट आकाश ब्रह्मंड ने तू उन्हां दे रचन हारे का भेत किवें पा सकदा है। बस तेरे साधन जो तू वरतदा है ये साधना विच तू फसिया होया, इत्थों बाहर निकल और वह सारिया में समाए हुए महसूस कर, ऐसा डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर। उही बेगमपुरे की गल की है गुरु साहब कहते हैं वड्डे तो वड्डा साधन एक दूजी भव लख होए, लख होवे लखवीश, इतनी तू उसकी सिफत कर लै पर कितना वड्डा है, होर वड्डा होंदा चला जाएगा तू कुछ भी फिर बिल्कुल कुछ नहीं रह जाएगा। एक दूजी भव लख होए, तेरी एक जीव तो दो जीबा हो जाए, एक दूजी बहुत लख हुए फिर लख हो जाए, लख हुए लख भी लखा तो भी लख भी तेरिया हो जाए, इतनिया जीबा तेरिया हो जाए, एक दूजी बहुत लख हुए लख हो मैं लख भी लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश, कली कली जीव
लखा जीबा हो जानी इकली इकली जीब लखा लखा बारी तेरा नाम जपे लख हो लखवीश लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश उस वाहिगुरु का एक राहे पद पवड़िया चढ़िए होए अकीस तू इनिया पौड़िया बना के सकाश पुर वाहिगुरु तक जाने की कोशिश कर सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस पर तेरी इस सिर्फ रीस होगी कि कीड़ी ने आकाश की गल सुनी क्योंकि जब गुरु साहब अपने आप नू कह रहे ने हम कीरे किरम सतगुरु शरण आई कर दया नाम प्रगाश उस वाहिगुरु नू कह रहे ने कि मैं हम कीरे किरम सतगुरु शरण आई इतने गुरु साहब कहते ने कि सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस कि मैं कीड़ी समान नू तेरी आकाश दियां गल्लां सुन के उस ते चढ़न दी रीस आई हुण कीड़ी कदों आकाश ते चढ़ सकदी है नहीं चढ़ सकदी पर गुरु साहब कहंदे ने भी जे तू इतनी कोशिश कर लै तां तेरी कोशिश यह होवेगी वो इतना विशाल है कि जिस तरह कीड़ी आकाश वल जा रही है कदों आकाश ते पहुंचेगी सुन गल्लां आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस वह तो नज़र न मिलना जो चाहेगा अपनी नज़र न मिलना तू एक वड्डा टीला खड़ा कर लिया भरम का उसे नज़र न मिलना सी नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस तो यह जो टीला खड़ा किया है बहुत वड्डा तू अपने चार चफेरे कि मैं बहुत कुछ पा लिया बहुत वड्डा सिमरन कर लिया बहुत वड्डा गुरु बन गया बहुत वड्डा पीर बन गया तो गुरु साहब कहते ने जे जुग चारी आर जा होर दसूनी होए इस तरह करके तेरी चार जुगां जिनी उम्र हो जावे जे जुग चारी आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा भी जानिए नाल चलिया सब कोई तेनों नौ खंडा विच भी लोग जानन लग पैन अक्सर मनुख यही उसकी राज का संभालन दी या होर बहुत बहुत जड़ा जो मनुख इस लैवल से चाहे कि भाई सारे संसार मैनू जान जावे सारा संसार मेरी शोभा करन लग जावे गुरु साहब कहंदे पॉसीबल है हो सकता है जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा में जानिए नाल चलिया सब कोय चंगा नौर खाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नजर न आवे ता बात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष करे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत्या गुण दे तेहा कोई ना सुझई जे तिस गुण कोई करे तो इत्थे गुरु साहब कहंदे ने भी तेरी चार जुग जिन्नी आर जा होवे सारा संसार तेनू जान लग पवे सारा संसार तेरे नाल तुरन लग पवे सारे संसार ते तेरा हुक्म चलन लग पवे मनुख दा हुक्म तो इत्थे गुरु साहब कहंदे ने जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा भी जानिए नाल चलिए सब कोई चंगा नौ रखाए के जस कीरत जग ले जे तिस नजर न आवे हुण नजर लैण दी तो गल नहीं सी कीती गलती सी परमेश्वर दी नजर लैनी सी की समझ के नजर लैनी सी कि मैं एक मामूली जिहा हाँ तू बहुत वड्डा है परमेश्वर जी मैं अपनी होमे गवाणी सी और परमेश्वर नूं वड्डा करके जानना सी तब छूटे जब साधु पाया क्योंकि साधु ने दस्या ही है कि वह अपने निज तो उपर उठा लिया उसने संसार समुंदर सी उसकी गहराई तो बाहर मनुख नूं कढ़ दिता तो समुंदर विच मनुख गोते खा रहा है तो गुरु साहब ने पहले सब तो पहले लाइन विच ये दस दिता सी कि ये जड़ा संसार एक समुंदर है तो उस विच गोते खाएगा सारा संसार खा रहा है सोचा सोच न होवे जे सोची लखवार कि मनुख सोच सोच के उसनू नहीं पा सकेगा चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा लिवतार कि मनुख कहे कि मैं चुप्पी साध लवा समाधि लगा लवा पर मन ता भी चुप नहीं हुंदा क्योंकि मन इतना खतरनाक है तेरिया सोचा विच भी आने वाला नहीं जदों कृपा करेगा तेन सुन की अवस्था विच लै जाएगा ये उसकी अपनी कृपा है सुन विच गुरु साहब सुन विच सन जो फुरना आंदा है वो किस रूप च आया बाणी रूप च आया है तो बाणी उचर गई उस फुरने नाल गुरु साहब कहते ना मैं करता ना मैं किया उस शब्द के नाल उस शब्द सुनाया विरले को गुरु शब्द सुनाया उस शब्द परमेश्वर ने सुनाया सतगुरु विच आप रखे कर प्रगट आप सुनाया गुरु दे विच परमेश्वर ने अपने आप नूं टकाया
और जो गुरु के मुख तो उचरिया वो सुन समाज विचों निकलिया होया सी, गुरु के विचार नहीं सी, साडे अपने विचार ने, असि अपने विचारां दे समुद्र विच फिरे होए हाँ। तो इसे नूं गुरु साहब ने समुद्र कहा, ये बहुत वड्डे समुद्र दे विच हर मनुख किरिया होया है। तो गुरु साहब इस समुद्र तो बाहर ने, सुन समाध अनहत तैनात, कह ना जाई उचार विस्मात, तिन देखिया जिस आप दिखाए। तो ये अवस्था गुरु साहब कहते हैं उही जान सकता है जिसनों आप दिखाएगा। तो आप दी मतलब सिर्फ परमेश्वर, तिन देखिया आप दिखाए, नानक तिस जन सोझी पाए। उस जन नू ये सोझी मिल जाती है सिर्फ इन्नी कि वह सुन की अवस्था जिहड़ा है वह अपने विचारां विच नहीं है, असी अपने विचारां विच हाँ, जो बोल रहे हाँ साडे विचारां विचों निकल रहे हैं, लेकिन वह विचार विच मनुख नहीं बोलता। जदों मनुख बोलता है तो जब हम होते तब तू नहीं, जब तक मनुख बोल रहा अपनी सोच नाल बोल रहा अपनी समझ नाल बोल रहा है, तो इहदा मतलब वह मनुख ही बोल रहा, उसनू कितनी उसने समझ दित्ती, जितनी समझ दित्ती है उसके अनुसार बोल रहा, पर परमेश्वर नहीं बोल रहा। तो उस समा सुन समाध विचों सिर्फ परमेश्वर बोलता है। सुन समाध अनहत तैनाग, कहना चाहिए अचर समाध, तिन देखा जिस आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर उसनु फिर महसूस होएगा, मेरे अंदर भी उही है, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत। इस हर घट घट विच है, और जेड़ा हर घट विच है वह किसी एक साधन नाल किवें मिल सकता है, साधन सीमित होंदा है। तो गुरु साहब कहते हैं अंतर सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवान, तरण माहे आकाश प्याल, सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल, बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। कि वह जिहड़ा उसके हुक्म सब कुछ हो रहा है। तो जिहड़ा इतने वड्डा है उत्थे गुरु साहब कहते हैं कि उस सुन समाध विचों ये महसूस होगा कि जितनी उसकी आज्ञा होगी ही, जितना उसका हुक्म आया है बस उतना ही कम करता जाएगा, उस तो वध नहीं, ना मैं करता ना मैं किया। ते उत्थे गुरु साहब कहते हैं कि मैं करता नहीं हाँ, करतापन मिट जाता है, जब हम होते तब तू नहीं, जो तक मैं सी तू नहीं सी, तो जब तू जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं, अनल अगम जैसे लहर मैं उधर, जल केवल जलवाही, माधवी क्या कहिए परम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। कि जिस तरह असी मानते हाँ उमें गुरु साहब कहते हैं ऐसा नहीं है, वो साड़ी एक मनौत है, और मनौत नाल ही सारा संसार चल रहा है, मन के ही सारा संसार चल रहा है, और मनन दे नाल ही ये धर्मां दा जन्म होया है, मनन दे नाल ही समाज वंडिया जा रहा है। पर गुरु साहब कहते ने ये साड़ियां मनौतां ने, सच्चाई नहीं है। तो मनौतां तो बहुत उपर है परमेश्वर, इस करके गुरु साहब ने मनुख नू सिख नू बहुत उच्चा चुकया है। बाहर सूत सगल सु मौला, अलिप्त रहो जिस जल में कौला, मुख की बात सगल सु करता, जी संग अपना धरता, दी सावत है बहुत प्याला, सगल चरण की ए मनराला। कि मेरा मन जेड़ा सारिया के चरणों की तूड़ बन गया, क्योंकि उसने देख लिया, सामने वाले नूं नहीं दिसिया परमेश्वर, लेकिन गुरु साहब कहते हैं हुण मैनूं दिस गया। हुण जिसनूं दिस गया फिर वह की करेगा, उसनूं पता है कि जो सामने है, जो दिस है सो तेरा रूप, इसे तू ही है। फिर सगल चरण की ए मनराला, मनुख सब च वसदे हुए परमात्मा नूं देख के उसनों परमात्मा की कायनात मिलेगी, और सब जो वस रहा है तो उसनों महसूस होएगा कि भाई तू इतना विशाल है। तो जिधर देखेगा उसनों लगेगा कि मेरा मन चरणा की धूल बन जाएगा, कि सारे इतना तेरी इतनी सुंदर रचना है। उस लख खुशियां पाशाहियां विच गुरु साहब कहते हैं सगल चरण की ए मनराला। उत्थे गुरु साहब ने कहा कि यह सारा जड़ा है सब दे चरणा की धूल मन हो जाएगा। तो चरणा की तूर का मतलब सारिया उस अकाल पुरख वाहिगुरू विसरदा देखना, इको शब्द की विचार करनी, सारिया वरतदा शब्द देखना, उस हुक्म में सारा कुछ चलद्या होया देखना, उस नाम की सारी रचना देखनी, ये बहुत वड्डी विशालता गुरु साहब ने दसी है।
अलिप्त रहूं जस जल में कोला, मुख की भाष अगल तू करता। जी संग प्रभ अपना धरता, दी सावत है बहुत प्याला, सगल चरण की इम नाला। तो इत्थे ही गुरु साहब ने कहा हो सगल की रेणुका, तो इस चीज नु तू समझ नहीं सकेगा, इस करके तू पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। तो ये प्रैक्टिस कर, इस शब्द की कमाई कर, इस नाम की कमाई कर कि हो सगल की रेणुका पहला मरण कबूल। यही गुरु साहब ने इसी चीज नु मौत कह, जो मनुख ये मौत कबूल कर लवेगा तो उसनु ये जदों तक इन्ना मनौतां दे नाल बन्निया होया है, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मर जाए तब प्रभ का सवारे आए। तो इस मनौत तो एक सीमा तो बाहर मनुख आए, उस सीमा दे विच रहिंदिया होया ही उच्चा उठ जाए, मनौतां तो मनुख बाहर आ जाएगा, मेरी मेरी तो बाहर आ जाएगा, तो इत्थे जड़ा है वो फिर गुरु साहब दी ये जो बख्शिश करते ने कि यही उसका वड्डा पन है कि बाहर सू सबल सू मौला, लिप्त रहो जस जल मैं कौला, कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। तो सबना की रेणुका उस वेले मनुख हो जाएगा जिस वेले पूरे संसार विच उस शब्द नु वरदा दिखेगा, जिसनु गुरु साहब ने कहा पवन अरम सतगुरु मत वेला, शब्द गुरु सुर तुम चेला। उस शब्द की जदू पकड़ हो जाए, गुरु शब्द सारे विच वरत रहा है और शब्द रूप विच परमेश्वर जिस वेले वरदा वो अपनी कृपा दे नाल दिखाएगा, तो मनुख का मन जेड़ा उस शब्द के चरणा की तूड़ हो जाएगा। लेकिन इसे नु गुरु साहब ने पहला मरण कबूल कहा, तो जो मर ही गया मनुख उस वास्ते केड़ी मनौत, केड़ा ज्ञान, केड़ा ध्यान, कैसी कैसा जेड़ा विधि विधान उसका रहेगा। मरे का कोई विधि विधान नहीं होंगे, मुर्दा होए मुरीद न गली होमना। तो इसनु कह गुरु साहब ने कि सारे संसार विच इको शब्द वरतदा, कि सारे संसार विच एक शब्द वरत रहा है, वो सारे संसार का एक ही गुरु है और उसे दी विचार करनी सारे संसार नु बनदी है। तो ये जड़ियां विचारां होर हो रही ने, गुरु साहब कहते हैं उस शब्द की विचार तक ही जड़ा सी सबसे उपर गुरु शब्द विचार और सगली और कथनी बदो न सगली छार। गुरु साहब कहते हैं सब तो उपर उस शब्द की विचार है, और जड़ा कथन है ये सारा जड़ा है वो सिख विशेष विधि विधान विचों, विशेष समझ विचों, विशेष मनौत विचों निकले है और हर मनुख नू बेगमपुरा बनाने दे वास्ते एक शब्द नाल जुड़न वास्ते गुरु साहब ने कहा, और उसका ही निचोड़ कढ़ के, जो गुरु साहब कह रहे ने निचोड़ कढ़ के समाज के छोटे रूप डिसिप्लिन किवें क्रिएट किया जाए, किवें सारा संसार सुखी बस सके और किवें ये रब दी नां दे उत्ते सृष्ट सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही, सारी सृष्टि एको पासे जुड़ी चली जा रही है, और जो परमेश्वर दा धर्म परमेश्वर ने पैदा करके जो धर्म पैदा किया सी, गुरु साहब कहते हैं सारा ही असि किसी ना किसी रूप उस तो दूर हो रहे हैं। तो इस तरह करके गुरु साहब ने कहा सी कि ए सी अमर उल्ट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत हुआ कि मेरा मन उल्ट के सनातन हो गया, उस परमेश्वर तक चला गया है, तब जानिया जब जीवत हुआ। तो इसनु गुरु साहब ने जीवत मरण की गल की, जो जीवत मरना जाने सो पंच शैल सुख माने। तो ये जीवत मरना जिहड़ा गुरु साहब का जीवत मरना, जिन्नी क गुरु साहब ने कृपा की उस हिसाब नाल यही जीवित मरना है कि मनुख संसार विच जी रहा है पर मन उदा परमेश्वर दे चरणां विच है, सारे संसार विच शब्द नूं वरदा देखदा है, बाहर सूत सगल सी मौला, अलिप्त रहूं जस जल मैं कौला, दी सावत है बहुत प्याला। कि एक कथा विच मस्कीन जी दी दास ने बहुत पहला श्रवण किया शब्द के, मस्कीन जी कहते ने गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज को कोई फकीर आया तो बैठ के अपा गल करिए, कोई धर्म की गल करिए, कोई ज्ञान की गल करिए, लेकिन गुरु साहब जो सेवा च लगे हुए ने, संतां दे नाल सेवा कर रहे ने, इधर भज रहे ने उधर भज रहे ने, तो वह वापस जान लगा मुसलमान फकीर,
कि तुसी ते संसार विच इतने बुरी तरह फसे हुए हो, तुहाडे नाल मैं की विचार चर्चा करा। उत्थे मस्कीन जी कहंदे ने, उत्थे गुरु साहिब ने यह शब्द उस घटना के नाल जोड़ के बयान कर रहे सी कि बाहर सूत सगल सी मौला, अले उसने कहा भाई बैठ, तू आया तो बैठ के अपा गल करिए। गुरु साहब ने फिर उस परमेश्वर की अवस्था जी बयान की कि तुसी बैठ के जी गल करना चाह रहे हो, तुसी विधि विधान च गल करना चाह रहे हो, पर गुरु साहब कहते हैं मैं इधर भज रहा उधर भज रहा, बाहर सू सगल सू मौला, अलिप्त रहो जस जल मैं कौला, मुख की बात सगल सू करता, जी संग प्रभ अपना धरता, दी सावत है बहुत पिहला। देखने च नजर आ रहा कि मैं बहुत रौला पा रहा, बहुत भज रहा, कुछ पता नहीं की कुछ लोग बोल रहे ने या मेरे बारे की सोच रहे ने, दी सावत है बहुत प्याला, सगल चरण की ए मंदराला, पर ए ता सारिया वर्त दा रब नूं देख के सब दे चरणा दी धूड़ है। इस गल नूं गुरु पातशाह जी ने पहला मरण कबूल दी गल कीती, जितना अरदास नूं समझाई गुरु पातशाह ने बख्शिश कीती, ओह जिहड़ा आप जी ने समा दिता, वीरां पैणा ने शरवण कीता, तो आपां मिल के चलीए। गुरु दा इतना महान फलसफा, इतना महान उपदेश, महान संदेश, कोई ऐसी कृपा गुरु साहिब वरतान कि सारे संसार ते जगत चलंदा रख लै, अपनी कृपा तार जित द्वारे उभरे, जिते लिहो उबार, सतगुरु सुख विखा लिया, सच्चा शब्द विचार, नानक अवर न सुझही, गुर बिन बख्शन हार। ओइयां भुलां चुकां दी समां जी बख्श लैणा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा वाहिगुरु की फतेह। बहुत ही वीर जी परमपाल जी, तुसी इतना गहराई दे विच और इतने सरल तरीके दे नाल तुसी इस नूं द कन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड बिटवीन जे जुगचारे आर्जा एक दूजी बो लख होए लख बीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश तों लैके ते पहला मरण कबूल कर जीवन की छड़ आस, दोनों जरा एक जो तुसी पहलू साड़ी नाल सांझ कर रहे हो मतलब वाकई, लेकिन प्रोसेस नूं किस तरीके दे नाल असी जीवन विधि विच पा पाईए ताकि ये जो कूड़ दी दीवार साड़े अंदर वसी पई हैगी है असी उहदे विच परम भलेखियां च ही फस के ते अपने आप नूं इगोइस्टिक माइंड नाल मैं कई वारी अपने आप नूं ये सोच ही रखदा कि जो मैं कह रहा उही ठीक है और ए मैं बोल रहा हूं लेकिन हरी नहीं बोल रहा, ए थोड़ा चानन पाओ सर किस तरह मतलब कि हाउ कैन वी प्योरीफाई अवर माइंड टू रीच टू दी अदर लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल लेवल ऑफ थॉट, खंडा राय धर्म खंड ज्ञान खंड कर्म खंड शर्म खंड सच खंड विच किस तरह प्रवेश कर रहे हैं इंसान कि ए परमा विचों निकल के जो आस पास जेड़े साडे नाल जुड़े पे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली इहदे विचों कितना मतलब इहनूं सरल किस्सा कीता जा सके। जी 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 मतलब इसनूं जिहड़ा गुरु साहिब ने इक्की गल दसी है कि मनुख अपना कर्म करे और कर्म दा इक हुण कर्मां तों मनुख दा जिहड़ा है ओह बणदा है, कर्मां तों ही ओहदी किस्मत बणदी है या कर्मा तो ही कह लो भी कर्मी कर्मा नाल ही परमेश्वर दी कर्म हुंदा है, परमेश्वर दी कृपा हुंदी है। तो कर्म समाज दे कैसे होण इह चीज ही इस चीज नूं पहला क्योंकि गुरु साहिब कहिंदे पहला समाज सुधारिया जाए और सुधरे समाज में तुसी कुछ करोगे तो कुछ होएगा, जे बिगड़े होया समाज है तां तुसी जो करन दी कोशिश करोगे क्योंकि परमेश्वर दी नज़र विच होना है, जदों इतना विस्थार हो जाएगा मनुख इतना उलझ जाएगा मन की मत्ती खिंडियां बहुते पई असगा गोते खाएन निकले, तो मन दियां मत्तां खिंडियां हुईयां ने और उस खिंडी हुई मत विचों मनुख चाह रहा है कि होर ज्यादा खिलारा वध रहा है, उसनूं संकोचिया किवें जाए ये असी देखना है क्योंकि परमेश्वर की नज़र नाल होना है, जो होना है परमेश्वर की नज़र नाल होना है और नज़र उदों होनी है जदों असी गुरु साहब कहिंदे ने कि पाठ पढ़ो नहीं वो जो अपना गल हूँ कर रहे पहला शायद की पिछले हफ्ते कि कर्म धर्म पाखंड जो दिस है तिन जम जा गलती लुट है,
निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जी छूटे संतो सागर पार उतरिया जेको बचन कमावे संतन का सुगुर प्रसादी चरिया कि संत ने जो बचन कहा है उन्हें कमाना शुरू कर दे और इतने संत अकाल पुरख वाहिगुरु ने गुरु ने जड़ा बचन कहा है जेको बचन कमावे संतन का गुरु का बचन असी कमाया ते सो गुर प्रसादी चरिया संत का बचन कमाया पाप गुरु की बाणी ने जो कहा उसनों असी कंसोलीडेट किया उसते चले जेको बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी चरिया तो उस गुरु दे कृपा दे नाल जिसने वह संत बनाया वह अकाल पुरख गुरु की कृपा दे नाल जिसने संत पैदा किया उस संत ने कोई बचन किया उसकी असी कमाई की उस गुरु ने जिसनों गुरु प्रसाद कहा सतगुरु मेरा सदा सदा फिर वह आप कृपा करता है असी संत के बचन से चलना है। गुरसिख मीत चलो गुरु चाली जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली। वाहिगुरु की कथा बड़ी अजीब है बड़ा असीम है असी ओनू करने की बजाय गुरु दे ने जो किया है उन्होंने कंसोलीडेट करके उन्होंने कमाना शुरू करिए बस वो सारे कमाण एक वाडे तो एक कमाए दो कमाए हजार कमाण लख कमाण करोड़ कमाण सारा संसार उधर नू तुरे जैसी भूख तैसी का पुरख फिर एक बेगमपुरे वाल वधन दा अपना जिहड़ा ना जी सब तो वड्डा आपां बेगमपुरा वधांगे तो मैनू लगता है भी वह ता ही सरलीकरण होएगा नहीं तो फिर कंपलैक्सिटीज ही ज्यादा बढ़ रही है और अगे जाके फिर सानू जो मैनू लग्या कि मेरे तो ज्यादा वीर जी जानते ने फिर मैनू उत्थे असमंजस पैदा होएगा भी ये गल कुछ होर है भी मैनू क्यों नहीं समझ आई। तो इस चीज में ही गुरु साहब ने कहा ना को पढ़िया मूर्ख मंदा ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर शिफ्ट कराए ताको कही है बंदा एक डिसिप्लिन क्रिएट किया जाए और असी खुद डिसिप्लिन चलिए पै विच वैसे पै रहे तो जिन्ना कि मैनू समझ भी जी बाकी तुसी ज्यादा विद्वान हो समझदार हो इस गल नूं तुसी कंसोलीडेट करना है। जी वीर जी क्लियर करो कि तुसी जिंज दस्या है कि व्यापक दिमाग होना चाहिए कि सृष्टि सारी जगह है सारिया ते दया करो ये व्यापक माइंड पहले तो अभी भुख दृढ़ करिए कि मैं इस रस्ते चलना है भुख दृढ़ होएगी तो रस्ते जाने फिर सतगुर मदद करेगा कि चलते रहेंगे और वाहगुरु मिल जाएगा कि मतलब तुसी दस्या कि किसी तरह उस नाल नहीं मिलेगा ना कोई ध्यान नाल ना किसी नाल ना किसी होर चीज नाल मिलेगा तो आपे तुसी भी रब रूप हो जाइए कि कर्मा नाल कि सारे गुण आ जान दया संतोख पूंजी सारिया नु कठा देखिए एक करन लई और दृढ़ माइंड पहले कर लिए कि भाई मैं इस रस्ते चलना ही चलना है ते मेरी भुख जड़ी है ना जिथे स्ट्रांग होगी मन उधर चल पेगा ना भुख स्ट्रांग ये करिए मैं इस रस्ते तो क्या बेगमपुरे दे रस्ते चलना है ये पहले दृढ़ करके फिर चलिए और किंज मतलब प्रैक्टिकली थोड़ा जा ना भाई एज ए जिज्ञासु ना कि मतलब ये तो पता लग गया कि भाई मैंने प्यार नाल ही मिलना है उसी रहम नाल मिलना है कर्म नाल मिलना है और मैनू इस रस्ते चलना है ना ये रस्ते चलने लिए मैं शुरुआत की नहीं करा। जी 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 देखो गुण से ग्रहण करनी ने है ना गुणा का होवे वासला कड़वास लीजे जे गुण होवन साजना मिल सांझ करीजे सांझ करीजे गुणा केरी छोड़ अवगुण चली है। तो एक तो गुणा की सांझ जड़ी ना जी वो करनी गुणा की सांझ गुण कट्ठे करने और फिर उन्होंने गुणा से अक्सर की होंगे भी गुणा के उत्ते मनुख कट्ठे करता है ना तो उत्थे वो डिफरेंशिएशन पैदा हो जाता है उसनों लगता है कि मैं गुणी हाँ दूजा औगण औगण है इतने जो जाके मनुख भटकता है। गुण करते रहो गुण कहो हर हर लो गुण कट्ठे करते रहो लेकिन समर्पित किनू करता है जो जो तुसी भी कर रहे हो जो भी तुसी कर रहे हो ये सब रब नूं समर्पित करदे चले जाणा अपने कोल कुछ रखना नहीं गुण कट्ठे करने ने रब दे चरणां विच सुट देने ने कि मेरा नहीं है सब गुण तेरे मैं ना ही गुण। जी 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 वेरी गुड कर्म करदे रहो गुण कट्ठे करदे रहो और रब दा शुक्र करदे रहो कि सारे गुण तेरे ने अंदरों मेरा कुछ नहीं है मैं इन्हां ते एवें कब्जा करके बैठा
और इन्हां ही है वो गुणा दा भुलेखा मैनूं पै गया, वो श्रेष्ठता मेरे अंदर पैदा करदा है। आपस को यही रास्ता है कि गुण कट्ठे करो और रलीमी नाल कट्ठे करो कि भाई मैं कुछ नहीं हां, मतलब तोड़ बन के कि मैं ते भाई बिल्कुल रंग का छोटा जिहा हां, सारी तेरी कृपा है, तू ही गुण दे रहे हैं ते तेरे ही गुण है। और आपने रोज चेक करिए मान के गुण बद रहे हैं के काट रहे हैं के कितने गुण हो गए। ठीक है जी, बस वो बैंक का खाता इन्ना को बड़ा हो जाए वो गुण कट्ठे करते रहो और बैंक च भरते रहो, पता ही ना लगे भी गुण तुहाडे च कोई है। वे गुरु गुरु साहब किन्ने गुणा के खजाने सी लेकिन अपना गुण एक भी नहीं दसते। जो वो कहते भी मेरे औगण ही औगण ने जीता समुद्र सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे, तो वो सिर्फ अपने औगण देख रहे ने और बाकी उन्होंने संसार च गुण ही गुण नजर आ रहे ने, अपने च औगण ही औगण नजर आ रहे ने, क्योंकि गुणा दे नाल होमे शामिल नहीं हुई। गुणा दे नाल अक्सर होमे शामिल होती है क्योंकि संसार विच जो माया वर्त रही है वह सारा माया रूप है और इस तरह जो भी असी करते हैं उहदे नाल जिहड़ी मैं अटैच हो जाती है जिस करके वह साडे कोल रह जाती है। जे वह चीज असी रब नूं सौंप दईए तां फिर वह रब की हो जाती है, जब हम होते तब सुन है, अपने कोल नहीं रखना, सब रब नूं सौंपते रहना और अपने आप नूं। जी 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 जी, जिन्ना मैं लगे सिंपल रस्ता ही लगता है। नहीं नहीं रस्ता जी यही बस सिंपल करके, क्योंकि बड़ी गल्ला नाल ना तुसी के दस्या है कि किसी और नाल नहीं, अपने गुण बदान नाल और गुण हलीमी नाल बताओ कि मैं कुछ नहीं हाँ, गुणी पर बिना गुणा दे कुछ नहीं बनना। जी 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 सरबजीत सिंह जी शांत करेंगे, डॉक्टर सरबजीत सिंह जी, सुरनजीत सिंह जी, मनदीप कौर जी प्लीज, अविनाश कौर जी, बाकी देखो प्लीज, डॉक्टर साहब, डॉक्टर भट्टी साहब, सरबजीत जी, डॉक्टर सरबजीत जी, मनदीप जी कुछ करें। हाँ जी वीर जी, तुसीं बहुत जो समझाया इस सारी दे विचो एक गल जिहड़ी आ मैनूं इस तरह लगा भी असीं सारी बाणी जदों आपां पढ़दे हां ते बाणी दे विच परमात्मा नूं दाता मन्निया गया है, ते जिहड़ी दात आ उही उहदा निशान, गावे को दात जाणे निशान, मंगणा वी आपां उसे दाते दे कोलों ही है और उहदे कोलों ही मंगदे असीं क्योंकि देंदा दे लैंदे थक पाए। पर असीं इत्थे आ के स्टॉप हो जांदे आ कि असीं दाता मंगदे आ, असीं दाता नहीं मंगदे। जी जी जी, असीं दाता विच फस जांदे आ ते असीं दाता नहीं मंगदे। जे कितें सानू दाता मंगना आ जाए, सानू यह आ जाए पिछे दे वस दे विच दाता ने, जे कितें असीं उहदे निवास की गल करिए भी उह साडे हिरदे च आ जाए ते फिर जिहड़ा तुसीं सानू हमेशा ही गल समझाउंदे आ फिर असीं उस विसमाद विच चले जावांगे जिहड़ा बेगम पूरा शहर बनाओ फिर वह बेगम पूरा होएगा जे असीं उस दाते दे निवास की मंग मंगा। ते कितें कितें असीं इस शब्द दे नाल नाल जदों तुसीं समझाउंदे सी ते मेरे दिमाग दे विच शब्द चलदा सी बिलावल राग दे विच शब्द आ ऐसी कृपा मोहे करो संते चरण हमारो माथा, जे कि सानू ये चीज मंगनी आ जाए ये वाली कृपा असि मंग लिए ते नैन दर्श तन धूर परो हर जगह ते ओदे दर्शन हर जगह ते ओही सानू दिसे यही गल जे देखनी आ जाए ते जदों ये सब कुछ देखण आ गया ते फिर गुर के शब्द मेरे हीरे वसे साडे हिरदे च गुरु का शब्द वस गया ते जदों गुरु का शब्द वस गया फिर तस्कर पंच निवारो ठाकुर फिर अपने आप जिहड़े साडे साडे अंदर जिहड़े काम क्रोध लोभ अहंकार दा सो कॉल्ड बहुत कुछ वो अपने आप ही हो जाऊगा ते फिर कितें यह गल कहनी आ जाए सानू भी जो तुम करो सोई भल मन भावन दुबदा दूर टरो। जे ये गलियां असी सिर्फ एक इस शब्द की विचार भी कर लिए ना जो तुसी सानू समझाया है ते उन्हों इस शब्द नूं असी आधार बना के ना सारिया गलों समझ लीए तो तावे कितें ना कितें जिहड़ी गल आ साडी बन जाऊगी। पर सब तो पहली गल आ कि सानू मन दे विच ये गल वसाउणी पऊगी भी असी दाते नूं मंगणा है दाता असी ठीक है दाता बहुत जरूरी है पर जेड़ा ओदा मालिक है जे किते ओनु ही मांग लिए ते फिर कोई जी राइट बिल्कुल बिल्कुल फिर लख खुशियां पास ही आ जणी फिर ए दिना मेनू पैन जी कोच सी थोड़ी जी 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 पैन जी थोड़ी जी क्लेरिफाई कर दो पैन जी ते जिस वेले मतलब ओ कहंदे अक्सर मांगो दालो मुक दोनों वक्त जो गल है। हां जी हां जी ए ओ क्यों मांग लिए हन ओ भी ओ दात है कि दाता हैगा ए मतलब असि सारी चीज दाता भी मंगना है ते दाता भी मंगदे हन कई वारी मतलब कन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड आ जांदा शब्द दे विच जिसले उसले भगत जी कहंदे हन कि भाई
अक्सर मांगो दल मोको दोनों वक्त जुगा ले सारिया चीजा मंगी जा रही कि बगैर मैं भगती नहीं कर सकता। हुण ये प्यार है प्यो दे नाल या मां दे नाल या गुरु नाल कि मैनू सब कुछ दे या इनू असी कही कि वो दाता असी दाता नहीं मंगदे दात मंगदे है। देखो वीर जी जो आप कोई भी शब्द पढ़ते हैं हर शब्द में जो आप आधार बनाना है उस शब्द सिर्फ एक लाइन तो जी आखिए एक पंक्ति तो अभी सारा शब्द समझते हैं नहीं समझ सकते इस करके किसी भी शब्द में जो समझना है तो पहले सू पूरा शब्द जो एक लाइन आखिए ये फिर तो अर्थ जो सू समझ लगते अं उ करना है पर जो आप वाला शब्द जो आख्या है ये जी ठीक है अभी मंगना भी वे को पर जो आप सारा समझना तो जरूर किसी वे वाला शब्द वीर जी लै लैन जा जो भी जिम्मे मैं करती हाँ तो जरूर यह शब्द लैके आप चीज जरूर विचारा कि वाकया कि चीज है सू मंगनी चाहिए थी जे ये किस स्टेज पर आके भगत जी ने जड़िया गल्ला ने यह मंगा ने किस स्टेज पर आके रखिया ने यह भी आप जरूर विचारा सिर्फ एक लाइन नहीं आप कह सकते पूरा शब्द विचारा तो फिर इस गल समझ आए। पटना साहब कथा सुन रहा जिथे आख्या है चरणजीत सिंह कथा है कि भाई पहले मंगन ते ही ना जरूरत तो शुरू हो जाओ चलते चलते कि भाई दोनों वक्त वाले सारा कुछ मंगो रुको ना परमात्मा तुहानू देंदा जाएगा परमात्मा दे अगे चलते चलो कि हाँ भाई तू ही दितियां तेरा शुकराना है मतलब उन्हें ही दितियां ओदा ही ध्यान रख के अगे ओदे कोलो ही भाई हुण तू मिल जा भाई सारा कुछ दे दिता ही ना ते अवस्था अगे मतलब जर्नी शुड बी कंटिन्यूड और मंग अपनी जरूरत से परमात्मा तो ही मंगोगे ना किस तो मंगोगे कोई इंसान तो थोड़ी मंगोगे। एक बड़ी अच्छे तरीके ना उन्होंने तीन तरीके दे ऐसे दस रहे थे एंड विच आई पिक्ड अप वाज कि हाँ भाई पहले के भाई भगती जड़ी है और चलने का तरीका ये है कि भाई मंगो मिलेगा अपनी क्योंकि जो तुसी बेसिक नीड्स ही नहीं होनगियां ते भी ध्यान नहीं लगता जे तुसी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएगियां ते फिर बड़ा मतलब ओदा शुकराना करते हो अगे चलो और यकीनी रखो कि तू बड़ा दिता है मैं चलन का दम दिता है ते मैं तेरे पर भरोसे चल रहा है। दिस इज वट आई लर्नड जनरल साहब इन भी समझ सकते हैं कि भाई इट इज लाइक स्पिरिचुअल लेवल ऑफ थॉट कि भाई ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੇ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨਿਆਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨ ਵੀ ਟੇਕ ਇਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਯਾ ਯਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਥਾਟ ਇਹ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨੀਡ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਉਸੇ ਜਾਓ ਨਾ ਪਰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਦਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਬਾਹਰ ਸੂਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਮੌਲਾ ਅਲਪਿਤ ਰਹੋ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕੋਲਾ। आई थिंक इन सेंट्रल आइडिया लैके बहुत ही गहरे विचार वीर जी ने रखे हैं और किन्नी गुरु नानक साहब की बख्शिश है किन्नी गुरु नानक साहब ने केड़े केड़े आस्पेक्ट कवर किए हैं जिंदगी दे और किस तरह जीवन नू उच्चा चुक दिता है। आई थिंक एक बहुत ही कमाल की आज विचार सी और मतलब कोई वर्ड सी नहीं है ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲੋ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ
और उसी रब ने कृपा भी करनी। ते बहुत ही मतलब एक सोहनी विचार सी, यही है माई नानक जिन्हों असी अगे लैके जाना। जिस तरह तुसी भी पुछते हो भी केड़ी चीज है जुड़ी असी अगे पहुंचा सकते हैं आने वाली जनरेशन नू, आई थिंक इन्हों विचारां नू ही किसी तरह कंसोलीडेट किया जाए और अगे लैके जाया जाए ताकि उन्होंने दस सकी कि कितनी रिचनेस है, किन्ना खुशियां लख खुशियां पातशाहियां, मतलब तुहानू स्पिरिचुअल खुशियां मिल रही ते बाकी खुशियां का तो कोई मायने नहीं रह जाते। सच हर बंदा सुनाना बड़ा मुश्किल है और सुनदे नहीं बल्कि खुशी नाल स्वीकार कर दो, एक बहुत वड्डी अचीवमेंट समझदा गुरु की बहुत वड्डी कृपा है। मैनू गुरु ने जगह दी है जी, मेरे बहुत वड्डे भाग ने, मैं समझदा मैं गुरु का धन्यवाद कर ही नहीं सकता जिन्ने तुहाडे जिही संगत मैनू बख्शी है। सच्चाई है बिलकुल सच ते है वीर जी। इस तरह वीर वड्डी टीम खड़ी करिए जिहदे च बहुत सारे वीर होण, उस टीम वल अग्गे वधीए ते इस गल ते भी आपां विचार किसी टाइम कर दे कि इस टीम नूं अगे एक्सपेंड किवें करिए। पहले थोड़ा होर समझ जाइए ना ते फिर मन और दुविधा तो दूर हो जाएगा ये तरीके नाल के लिए। जी 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 थोड़ी क्लासां लगो जिवें तुसीं अगे वध सकदे आ, तुहाडे मतलब एक तो एक एक दो एक चढ़ंदियां है सारे इत्थे गुरु साहिब ने अपने अपने अनुभव सारिआं नूं सानूं बख्शे ने, एक विशेष तरह की क्लास है बड़ी इत्थे एक मालक की बड़ी रहमत वरदी है। मैनूं महसूस होंदा है कि इस क्लास ही रहमत भरी एक उहदे विचों निकली है, मैनूं जो महसूस हो रहा है इस वेले। जी वीर जी जी एक रहमत विचों क्लास निकली, क्लास नहीं है रहमत का कोई मुजस्मा इकट्ठा होया है। जी जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी 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 बहुत सोहनिया गल्लां होईयां। अच्छा मैं थोड़ा जिहा चाहांगा कि एक गल हुई है अचिंत ते अचिंता, जिवें गुरु नानक जी भी कहिंदे ने गुरु नानक को प्रभु मिलिया चिंता, एक तां चिंता नूं थोड़ा जिहा हाईलाइट करो। दूजी जिहड़ी गल होई सी कि तुसीं गल कही सी सुन समाध दी गल कही सी, ते सहज अवस्था दे विच तां सुन समाध तों वी आदमी जिहड़ी अवस्था उस तों वी उपर चले जांदे, थोड़ा जिहा सुन समाध और सहज दी गल दे थोड़ा जिहा विस्तार करो। तीजी गल जिहड़ी तुसीं कही हैगी है कि पहला मरण कबूल कर जीवन की छड आस, होए सबों की रैनका तो आओ हमारे पास, ते जिहड़ी रैनका अवस्था ए की हैगा, ए तिन्ने चीजां दा थोड़ा जिहा विस्तार करो। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। जी 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 मतलब रेणुका दा करिए विस्तार जी। हाँ ते तीन गल्लां दसियां ना मैं, एक तो अचिंता जिहड़ी हैगी है, दूजा सुन समाध तो भी जिहड़ी सहज अवस्था उपर वाली हैगी है, ते तीसरी जिहड़ी रेणुका किहनूं कहिंदे आ। जी 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 सुन समाध ते सुन समाध विचों ही सहज उपजदा वीर जी। सुन समाध अनहत तैनात कहन अजिही अचरज विसमाध, ओ विसमाध विच ही सहज है और सहज की अकत कथा है निरारी, उर ना चढ़े जाए ना मुकाती हल्की लगे ना भारी। ओं दसिया ना कि सुन समाध दोनों में ना ही सहज जड़ी है, दोनों च नहीं है उत्ते है। जी सहज जड़ी है ना सुन विचों सहज निकलेगा, क्योंकि साडा जिन्ना विचारां दा एक साडे अंदर जिहड़ा कोल चल रहा ना, ते वो सहज दी जड़ी है हुण असी कदे भारे हुंदे आ कदे हल्के हुंदे आ। तो ये जरा ये आप जी मेन चीज तो यह देखनी है कि
जे सानू उस अवस्था थोड़ी जी सानू पुट लगी है सानू थोड़ी जी समझ आई है ता उस तू अगे ओदी किरपा लैने की कोशिश करी भी उस तू अगे ओदी किरपा होए ते सुन समाध जिहड़ा मैनू ये लगता है भी क्योंकि गुरु साहब कहते हैं तीन देखिया जिस आप दिखाए ये सहज या सुन ये परमात्मा की कृपा नाल ही मिलता है सारा कुछ ना जी ये बहुत उच्चिया अवस्थावां ने अड़ोल अवस्थावां ने सहज अवस्था का मनुख जो जो नर दुख में दुख नहीं मानना ये सहज अवस्था के मनुख की गल है जो नर दुख में दुख नहीं मानने सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी मानने तो मरण कबूल इतों ही हो जाएगा जो मनुख ने कंचन ते मिट्टी मान लिया कंचन नू मिट्टी मान लिया तो ये जिहड़ा ये फकीर की अवस्था होंदी है ये जिहड़े गुरु साहब से फकीर से हुण दसवें पातशाह बेशक ने लेकिन कड़ा ला के गंगा में सुट रहे ने क्योंकि फकीर ये कम कर सकता है कि उन्होंने मिट्टी तो सोना जैसे लगे उन्होंने कंचन नहीं से उन्होंने विच रहना तो ये एक अवस्था ऐसी होंगी कि उन्होंने मिट्टी से सोना एक जैसा लगता है तो उहदे नाल उह किवें हुंदा है ये चीज किसी की नहीं परखी जा सकती भी कौन सहज विच कौन नहीं है ये तुसीं किसी का परख नहीं सकते जो तुसीं हो तो बस वो परमेश्वर विच तुसीं समाए रहो और जिहड़ा समाज की बेहतरी की गल सोचो भी यह समाज बेहतर किवें होवे क्योंकि गुरु साहब सुन समाज विच सी सहज विच सी तो उन्होंने समाज की बेहतरी की सोची उन्होंने ये नहीं कहा तुसी सुन विच पहुंचो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुसी ये समाज विच पहुंचो इस उन्होंने कहा कि परमेश्वर आप देगा तुसी समाज की बेहतरी की सोचो क्योंकि ये अवस्थावां परमेश्वर जिन्हों कृपा करता है जिसनों लाए लय सो लागै भगत तुहारा सोई और जिहड़ा उहदा भगत बन गया वह गुरु साहब कहिंदे ने फिर वह जिन हर पाया तिने छपाया तो वह फिर मनुख छुपाण वाले पासे दौड़ेगा कि मेरा किसी नूं पता ना चले पर जो उहदा पता चल भी जाता है तो वह पता चल जाता है उहदा देखो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज छुपे बैठे ने और जिस वेले पता चलिया है तो अपना शीश कुर्बान करन नूं तैयार होए ने इस तरह का ही एक खेड मैनूं लगता है जी सुन और सहज का और सबन की रहन पता जिहड़ा ये है कि वह फिर मनुख न अपना आप देखता है सैल्फ अनैलिस करता है और जो सैल्फ अनैलिस करता है जिनी आत्म चीनिया परमात्मा सोई जो सैल्फ अनैलिस करता है तो सैल्फ अनैलिस अपने आप मनुख को लगता है परमात्मा बहुत वड्डा है मैनू उहदी छोह मिल गई है हुण उस तों अगे जूं जूं जांदा है तां उहदे विच उह सैल्फ अनैलिस ज्यादा करता है और सैल्फ अनैलिस उहनू अपने गुण हुंदे ने गुणों की खान बनता चला जाता है लेकिन उहनू गुण लगता ही नहीं अपने च कोई जबकि वह गुणा की खान हों पर एक भी नहीं गुण अपना लगता क्योंकि वह तुरिया ही अपने आप गुण देखने वाले कबीर सब ते हम बुरे हम तज पलो सब कोए जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए तो इस तरह चलन के नाल जो सारे विच ही मतलब वड्डा रब होगा तुहानू महसूस होने लगे भी तुहानू रब नजर आ गया दूजे नूं नहीं आया तुहानू आ गया और तुहानू यह महसूस होगा कि यह जिहड़ा है ये रब ने बनाया इसनों पता उसनों नहीं पता होएगा सपोज करो तुहानू मिले रब तुहाडे अंदर अवस्था आई है तुहानू पता है कि मेरे ते रब की कृपा हुई है लेकिन उस कृपा विचों तुहानू रब की विशालता नजर आएगी अपने औगण नजर आएंगे जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते औगण नजर आएंगे और दूसरों में गुण ही गुण नजर आएंगे पर तुसी गुणों के समुद्र बनते चले जाओगे और सारे रब नूं सौंप दोगे तो मैनू लगता भी किधरे ये मरण कबूल है और सबना की रेणुका जिहड़ी है वो फिर सब च ही रब क्योंकि सब गोबिंद है सब गोबिंद है तो ये अवस्था में मनुख लख खुशियां पाशियां जिंदा सहज अवस्था में जिंदा आनंद में जिंदा खुशियां ते खेड़े भी जिंदा और उहदी जिहड़ी ये वो फिजा समाज वास्ते जिहड़ी है वो इस तरह की इकट्ठी करता आप वो फकीर हुंदा है जुतियां गंढ रहे ने भगत रविदास जी महाराज और जुतियां गन्नण तो हटे ही नहीं सारी उम्र नहीं हटे लेकिन क्योंकि उन्होंने फिजा विच जो क्रिएशन होंदा है पर अंदर मन विच खुशी है संतोख है दया है धर्म है अचिंता जी 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 ये चिंता है ही नहीं है ना फिर अचिंत हो गया मनुख हुण अचिंत हो गया उन्हें कुछ वो कहिंदे ने कि मैनू नहीं इस चिंता नाल मैनू चिंता करन नाल नहीं मिलिया सगल चिंत तुद पासे और चिंता करो हमारी तो सारा कुछ ही छड़ दिता जदों भगत रविदास जी महाराज कहिंदे ने कि पढ़िया गुणिया नाम सब सुनिए अनुभव भाव न दर्शै लोहा कंचन लोहा क-
कंचन हिरण हो क्या सी जो पारस है न परस है उन्हों पारस परस गया ते हुण जिहड़ा है उत्थे हुण चिंता नहीं रही अचिंत हो गया हुण चिंता लोग दे रहे ने कितनी तरह की चिंता दे रहे ने क्योंकि वह अचिंत हो गया उन्हों चिंता नहीं है वह अचिंत है पर वो कह रहे भी चिंता वाले मैनू किवें तंग कर रहे ने चिंता किन्ना नू है अचिंत केड़ा है अचिंत बैठा संतोख विच जिवें वीर जी शाह जी ने चरण जी सिंह वीर जी ने कहा सी कि ए कंटेंटमेंट है अग सिर मांगो दाले ये कंटेंटमेंट है इतना संतोख है कि इतना इस लैवल का संतोख है कि सिर्फ अग सिर मांगो दाले मुको दोनों वक्त जवाले और जिहड़ा अगे वधना है खाट मंगो चुपाई इत्थे है तां भी संतोख है रुखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय सम सुख विहात ये रुखा भोजन है धरती से सोना मिल रहा है पर तां भी चिंता नहीं है किसी तरह की प्रिय संग सूत विहात ते जे बहुत बड़ा बन गया हाथी घोड़े ने दोसर वांगू चुना इत्थे भी संतोख है और फिर हाथी घोड़े ने गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज को हाथी घोड़े ने पर उन्होंने कहा कि औरत ईमान पुत्र निशान दौलत गुजरान फकीर ना हिंदू ना मुसलमान वो कंटेंटमेंट तो बाहर नहीं हुंदा चिंता विच नहीं हुंदा उहदे कोल की है की नहीं है इस गल दा उहदे ते कोई फर्क नहीं पैंदा वो उसी अवस्था च हुंदा है भावें वह बैठा जुतियां गंढ रहा है या भावें वह शहनशाह वाला दरबार लगा के अकाल तख्त बना रहा है उनकी अवस्था का कोई फर्क नहीं है चिंता नहीं है किसी तरह की चिंता विच मनुख वड्डा कार्ज नहीं कर सकता अपने पिता नूं दिल्ली नहीं भेज सकता अपने बच्चे शहीद नहीं करा सकता अचिंत जदों हो जांदा उहदे वास्ते समाज वास्ते सब कुछ निछावर करना मैनूं लगदा है कि किधरे ना किधरे उहनां दा मूल उपदेश है उहनां नूं चिंता नहीं हुंदी।